अगर आप भी रविंद्र जडेजा और अश्विन को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और श्रीलंका के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले का आज दूसरा दिन था और आज का पूरा दिन क्रिकेट के पुष्पा कहे जाने वाले सर रविंद्र जडेजा के नाम रहा। आज उन्होंने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए जिस कदर श्रीलंकाई गेंदबाजों की धुनाई की है, उसके बाद से पूरे क्रिकेट जगत में उनके नाम की जमकर चर्चा हो रही है। वहीं भारत के सर्वश्रेष्ठ ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन भी उनसे पीछे नहीं थे। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने न सिर्फ बल्लेबाजी बल्कि गेंदबाजी में भी तूफान मचाते हुए दूसरे दिन भारतीय टीम की जीत लगभग सुनिश्चित कर दी है। किस तरीके से इन दोनों खिलाड़ियों के आगे नतमस्तक नजर आ रही थी श्रीलंकाई टीम, वो सब तो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत में से खतरनाक खिलाड़ी कौन है? अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मोहाली के मैदान पर जब भारतीय क्रिकेट प्रशंसक विराट कोहली के 100वें टेस्ट मुकाबले में उनके शतक का इंतजार कर रहे थे, तब किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि विराट कोहली के नाम से जाना जाने वाला ऐतिहासिक मुकाबला सर जडेजा की ऐतिहासिक पारी के नाम से जाना जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी आज के दिन इस खतरनाक ऑलराउंडर ने की। आपको बता दें कि भारत के ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के साथ मिलकर रविंद्र जडेजा ने आज दूसरे दिन सुबह से श्रीलंकाई गेंदबाजों की क्लास लेना शुरू कर दी। उन्होंने आज दूसरे ही ओवर में अपना अर्धशतक लगाते हुए काठियावाड़ी तलवार चलाकर अपने ट्रेडिशनल अंदाज में जश्न मनाया। वहीं दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रविचंद्रन अश्विन भी कहां चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी अपने बल्ले का जोर दिखाना शुरू किया और बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने जल्दी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। हालांकि अश्विन 82 गेंदों में 61 रनों की शानदार पारी खेलकर सुरंगा लकमाल का शिकार बने, लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने अपनी पारी में 8 बेहतरीन चौके भी लगाए। उनके साथ की बदौलत ही जडेजा ने दूसरे छोर पर अटैक करते हुए पहले अपना दमदार शतक लगाया। इसके बाद उन्होंने अलंकार गेंदबाजों पर धावा बोलना शुरू किया। जी हाँ दोस्तों, रविचंद्रन अश्विन के आउट होने के बाद जडेजा ने जयंत यादव के साथ मिलकर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी संभाली, लेकिन थोड़ी बहुत बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाने वाले जयंत यादव कुछ खास नहीं कर पाए और 18 गेंदों में 2 रन बनाकर विश्व फर्नांडो का शिकार बने। लेकिन दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा कहां हार मानने वाले थे। उन्होंने मोहम्मद शमी के साथ मिलकर अपनी पारी को 150 रनों के पार पहुंचाया और एक बार फिर से मोहाली में आए दर्शकों को रविंद्र जडेजा की चलती हुई तलवार देखने को मिली। वहीं दूसरे छोर पर मोहम्मद शमी ने भी उनका बखूबी साथ निभाया। हालांकि जब जडेजा 175 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उसी वक्त भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने पारी को डिक्लेयर करने का ऐलान किया और 129.2 ओवरों में 574 रन बनाकर भारतीय टीम ने पारी घोषित कर दी। और पूरे मुकाबले के आकर्षक रहे रविंद्र जडेजा ने एक ऐतिहासिक पारी खेलकर एक बार फिर से सभी को अपना दीवाना बना लिया है। दोस्तों, बल्लेबाजी में कमाल करने वाले जडेजा और अश्विन ने गेंदबाजी में भी धमाल मचाना शुरू किया और देखते ही देखते इन दोनों ही खिलाड़ियों के शानदार गेंदबाजी के दम पर भारतीय टीम ने महज 108 रनों पर ही श्रीलंका के 4 महत्वपूर्ण विकेट गिरा दिए और मुकाबले के दूसरे दिन ही श्रीलंका हार के बेहद करीब पहुंच गई है। तो दोस्तों, जडेजा और अश्विन के इस शानदार प्रदर्शन को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, अपनी राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।